आप सभी को नमस्कार। आज हम अपने हिस्ट्री के लेक्चर में अपना मॉडर्न जो हिस्ट्री है, क्योंकि आपकी हिस्ट्री जो है वो तीन भागों में बांटी जाती है। तीन भागों का मतलब हो गया कि हमने उसको पढ़ने के लिए आसान भाषा में बना लिया है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अपना प्राचीन भारत, जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत के बाद हम अपना पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन के बाद हम चलते हैं जो हमारा होता है आधुनिक भारत, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न इंडिया। तो हम आज इसी की बात करने वाले हैं, आधुनिक भारत आज हमारा पहला लेक्चर होगा। तो आधुनिक भारत जो मॉडर्न इंडिया है, तो मॉडर्न इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो समय काला है, जो आपका समय काल है, ये आपका 1707 से, यानी कि 1707 से लगाकर चलता है 1857 तक, जब भारत की पहली क्रांति की जाती है। और दूसरा जो पार्ट चलता है, जब ब्रिटिश क्राउन आ जाता है, तो ये आपका चलता है 1857 से लगाकर 1947 तक, ठीक है ना। तो ये दो टाइम पीरियड आपको याद रखने हैं। तो इन दो टाइम पीरियड पे ही भारत का आधुनिक जो इतिहास होगा ये आपका ख़त्म हो जाता है। चलिए अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम पीपीटी का सहारा लेंगे, जो चीज़ें इसमें एडिशनल आएंगी वो हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं मॉडर्न इंडिया। तो हमारा जो टाइम पीरियड है आधुनिक भारत का, बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए आधुनिक भारत का जो टाइम है वो कब से कब तक का है। तो 1707 से लगाकर 1947 तक का आपका टाइम पीरियड माना जाता है। इसमें भी हमने दो पार्ट बांट दिए कि जब अंग्रेज़ों का जो उपनिवेश है, जो कंपनियां हैं, वो 1707 से लगा के 1857 तक, आपको पता 1857 की जब क्रांति होती है, तो उसके बाद जो भी हमारा पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रशासन होता है, उसको जो ब्रिटेन की महारानी होती है वो उसको अपने हाथों में ले लेती है, उसको बोलते हैं हम द क्राउन पीरियड, है ना। तो ये 1857 से लगा के 1947 तक आपका चलता रहता है, ठीक है। चलिए तो हम 1707 तक आने से पहले हम एक काम करेंगे कि 1707 से पहले की स्थिति क्या थी। तो उस स्थिति में जब आप देखोगे तो इस स्थिति में आपका क्या होगा कि भारत में मध्यकालीन शासक चल रहा है, और मध्यकालीन शासन में भी हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अपने उन राजाओं की जो हमारे मुगल सल्तनत था। आपने एक नाम सुना होगा ना, मुगल काल। क्या नाम सुना होगा आपने, मुगल काल, है ना। तो मुगल काल वो काल था जब बाबर भारत में आ जाता है, और बाबर जो है भारत में आकर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। किसको हरा देता है, इब्राहिम लोदी को। तो इब्राहिम लोदी जब हारेगा, जो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, तो उसी के बाद से भारत में क्या आता है, मुगल काल आता है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से ऐसे राजा थे ताकि हम यहाँ पर आराम से 1707 तक पहुँच सकें। तो हमने एक यहाँ पर एक बात लिखी है, भाजशाह। क्या लिखी है, भाजशाह। तो BHAJSA भाजशाह। तो बी से बनता है बाबर, ये आपके बाद बहुत बार एग्जाम में आपसे लगाने के लिए आ जाता है। बाबर के बाद आपका आएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद आपका आएगा अकबर, अकबर के बाद आपका आएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद आपका आएगा शाहजहां, और शाहजहां के बाद आपका आएगा औरंगजेब। कौन आएगा, क्योंकि आज हम औरंगजेब से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में महाराष्ट्र में अहमदनगर में, तो उसी के बाद से मुगलों का गिरना, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये कभी कभी आपके पास आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो बादशाह, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो यहाँ से आप इनका टाइम पीरियड भी ध्यान रखेंगे। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया 1526 में, वो जीत गया, तो 1526 से लगाकर 1530 तक ये रहा। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और जैसे इसकी मृत्यु होती है तो हमारा हुमायूं क्या बनता है, आपका शासक बन जाता है। अगर हम हुमायूं की बात करेंगे तो हुमायूं का टाइम पीरियड दो बार आता है, एक तो 1530 से 1540 तक। तो 1540 में जो शेरशाह सूरी होता है, बस आप कहानी सुन लीजिए अभी, ताकि हम इसको आधुनिक भारत से जोड़ पाएं। शेरशाह सूरी डिस्टर्बेंस कर देता है पूरे काल में, और हुमायूं को अपनी जान बचानी भारी हो जाती है, लेकिन ये हारता नहीं है, दोबारा से आता है। और 1540 में जब ये हार जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 40 से नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 40 से नहीं होगा, ये जो है 1555 से लगाकर 1556 तक, है ना, दो तीन साल के लिए फिर आ जाता है। इसके बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, ऐसा बताया जाता है। देखो दो फेमस हैं, एक तो लाइब्रेरी से गिर के मर गया पढ़ता हुआ राजा, और एक घोड़े से पोलो खेलते हुए मर गया, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएंगे पोलो खेलते हुए कौन मरा, और लाइब्रेरी से गिर के कौन मरा, ठीक है ना, आपका होमवर्क है। चलिए इसके बाद देखेंगे अकबर। अकबर आ जाता है, अकबर बहुत कम उम्र का होता है, और अकबर जो है 1556 से लगाकर 1556 में शासक बनता है, और ये लगभग 1605 ईस्वी तक, 1605 तक ये क्या रहता है, भारत का शासक रहता है, और भारत के महान राजाओं में इसकी गिनती होती है, ठीक है ना। उसके बाद जहांगीर आ जाता है, जहांगीर की बात करेंगे तो ये 1605 से लगाकर 1627 के आसपास तक रहता है। इसके बाद शाहजहां आ जाता है, जो 1627 से लगाकर 1600 कितने तक रहता है, लगभग बताएंगे मुझे एक बार, 1627 से 1648 से 49 तक रहता है। और इसके बाद आ जाता है औरंगजेब, जो 1707 तक चलता रहता है। बात समझ में आई कि इतनी, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो
आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है इसके अंदर। इसके बाद अच्छा इसमें नीचे लिखे हुए भी हैं, देखिएगा 56 तक ये रहा अकबर 1556 से 1605। इसके बाद हमारे पास कौन आ जाता है जागीर 1605 से 1627, फिर 1627 से लगा गया 1656 और फिर 1656 से 1656 से 17 साल तक कौन रहता है औरंगजेब। तो ये टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये मैंने आपको यहाँ पर औरंगजेब पे लाकर इसलिए छोड़ दिया है ताकि आपको ये पता लग जाए कि एक्चुअल में औरंगजेब अब 17 साल में मर चुका है, अब जो उसके पुत्र हैं वे क्या करेंगे इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर विजय के साथ जो इसने काम किया था तो उसमें बहुत पैसा खर्च हुआ है ना, तो ये आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं जो मुगल सल्तनत है जो मुगल डायनेस्टी है ये कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए ये आप फोटो देख रहे हो ये वही है। तो यहाँ से हमारा जो पहला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मुगलों का पतन। मैं दोनों लैंग्वेज में बोलता जा रहा हूँ तो आप अपने नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो डाउनफॉल ऑफ मुगल्स की बात करेंगे तो इसको हिंदी में बोलते हैं मुगलों का पतन। तो मुगलों का पतन कैसे स्टार्ट होता है, अब औरंगजेब एक तरीके से लास्ट शासक माना जा सकता है जो बहुत क्या था, योग्य था, ठीक है ना, कट्टर भी बहुत था, ये अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर भी था, ठीक है। चलिए तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है एट अहमदनगर महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाएगा बताइए औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु आपकी अहमदनगर में हुई। कहाँ पर हुई, अहमदनगर। हिंदी वाले बच्चे टेंशन मत लेना, मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ, अहमदनगर। और अहमदनगर कौन सा है, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में। कब मृत्यु हुई, 1707 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, हो गई। इसके तीन बेटे थे, कितने बेटे थे इसके, तीन। पहले बेटे का नाम था मुअज्जम, दूसरे बेटे का नाम था कामबख्श, दूसरे बेटे का नाम क्या था, कामबख्श, तीसरे का नाम था आजम। तो तीन बेटे थे और जाहिर सी बात है आपको को ये पता होना चाहिए, जब भी हम मुगल काल पढ़ते हैं तो मुगल काल में कभी भी कोई प्रथा नहीं बनाई गई थी कि राजा कौन बनेगा, जो बड़ा था वही राजा बन जाता था। इसलिए इनमें आप देखोगे पूरी जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पर एक दूसरे को मारने के पीछे लगे रहते थे और अपने आप को शासक बनाना चाहते थे, ठीक है। चलिए तो जो मुअज्जम है, मुअज्जम ने अपने आप को राजा घोषित किया क्योंकि बड़ा भी था। तो मुअज्जम ने अपना जब राजा घोषित किया तो क्या हुआ, मुअज्जम के साथ सबसे पहला युद्ध रखेंगे आप, द बैटल ऑफ जजाऊ। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमारा आधुनिक भारत स्टार्ट हो चुका है। तो आधुनिक भारत का ये पहला युद्ध है 1707 में, द बैटल ऑफ जजाऊ। क्या बोलते हैं इसको, जजाऊ का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको, जजाऊ का युद्ध, द बैटल ऑफ जजाऊ। तो जजाऊ में क्या हुआ 1707 में, ये जो बैटल हुआ ये हुआ मुअज्जम और आजम के बीच में। किसके, मुअज्जम और आजम, क्योंकि भाई ये दोनों भी तो है ना, ये भी तो अपना राज चाहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, मुअज्जम ने आजम को हराया और हराने के बाद इसको मार दिया और मार के बन गया शासक, कौन, मुअज्जम। तो मुअज्जम विंस एंड बिकम द किंग। मुअज्जम जो है जीत गया और जीतने के बाद राजा बन गया। और उस टाइम जो मुअज्जम था उसकी उम्र कितनी थी, 65 ईयर्स, यानी काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। क्योंकि आप देखोगे औरंगजेब का टाइम पीरियड जो है ना, औरंगजेब का टाइम पीरियड है 1657 या 56 से लगाकर शायद 1707, तो काफ़ी लंबे समय तक ये शासक रहा, ठीक है ना। तो बच्चे तो बूढ़े होने ही थे। तो यानी कि यहाँ पर मुअज्जम बन जाता है और मुअज्जम अपना नाम क्या रखता है, विद द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट। तो आपसे यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए मुगल काल का 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कौन राजा बनता है, तो बनता है कौन, अगर हम उसका पूछेंगे तो बनता है शाह आलम फर्स्ट बनता है। कौन बनता है बताओ, दोबारा से रिपीट करो, शाह आलम। अगर उसने क्वेश्चन बना दिया बताओ, शाह आलम फर्स्ट का नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था, मुअज्जम। बच्चे नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, बस उनको बताया कि शाह आलम फर्स्ट या बहादुर शाह फर्स्ट। इनके नाम, इसने नाम अपना रखा, इस नाम से शासक बना, लेकिन द ओरिजिनल नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट वाज मुअज्जम। बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या। तो एक बात तो बताओ, जब ये 65 साल का राजा बना होगा तो जाहिर सी बात है ये बूढ़ा हो चुका होगा, बताओ है ना। और जब ये बूढ़ा हुआ होगा तो बूढ़ा होने के बाद इसका कुछ नाम भी तो रखा गया और कुछ टाइटल दिया गया होगा, तो इसी को बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है, ओल्ड एम्परर, बूढ़ा बादशाह। आगे देखते क्या लिखा है। उसके बाद क्या हुआ, इन 1709 मतलब 2 साल बाद ही, अभी इसने आजम को हराया, अब कामबख्श कहाँ बैठने वाला है, वो तो भाई है ना, उसको राजा बनना है। इन 1709 ही किल्ड कामबख्श नियर हैदराबाद। तो हैदराबाद में इसकी मुठभेड़ हुई और 1709 में इसने कामबख्श को भी क्या कर दिया, मार दिया। अब रास्ता साफ, मुअज्जम अकेला, मुअज्जम ने अपना क्या नाम रखा, बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट। तो यहाँ पर इसी को जाना जाता है बूढ़ा बादशाह। और इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको रेड कलर से दिया है ये आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बूढ़ा बादशाह किसको कहा जाता है,
मुअज्जम, मुअज्जम नहीं मिलेगा तो शाह आलम फर्स्ट या बहादुर शाह फर्स्ट, और इसे कहा जाता है शाहे बेखबर, शाहे बेखबर, शाहे बेखबर। तो शाहे बेखबर कहा जाता है किसको, मुअज्जम को या शाह आलम फर्स्ट को, ठीक है ना। चलिए, अब औरंगजेब के समय क्या दिक्कत थी कि जो आपके मराठा था, मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है, इनके साथ में रिश्ते खराब थे क्योंकि सबसे संघर्ष चल रहा था हमारा, औरंगजेब का चल रहा था संघर्ष, और इधर जो हमारे सिख थे पंजाब राज्य में, इनके साथ इनका क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। तो अब ये बूढ़ा हो चुका है, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल रूप से भी कमज़ोर है, तो उसने कहा क्यों ना हम दोस्ती की नीति अपनाएं, फ्रेंडशिप करेंगे इनके साथ, हम लड़ेंगे नहीं। तो औरंगजेब ने क्या काम किया था, जो शिवाजी का एक पोता था जिसका नाम था साहू, जिसका नाम क्या था साहू, उसको जेल में बंद किया हुआ था। क्यों बंद किया, आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आपको पूरा मराठा साम्राज्य पढ़ाएंगे आपको सब चीज़ें बताएंगे कहाँ क्या चीज़ें, बस आप तो ध्यान रखेंगे। एक शिवाजी का पोता था, शिवाजी जी महाराज को सब जानते हैं, शिवाजी छत्रपति शिवाजी, तो शिवाजी का जो पोता था इनका नाम था क्या, शाहू, क्या नाम था, जो जेल में बंद था औरंगजेब की, और इसी को सबसे पहले 1707 में क्या कर दिया इसने, छोड़ दिया शाहू को, क्या कर दिया इसने, जेल से रिहा कर दिया। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या, शाहू को रिहा कर दिया जेल से किसने, शाह आलम फर्स्ट ने। और 1707 में इन्होंने एक गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, है ना, सिख धर्म के संस्थापक हैं, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो सिख धर्म के संस्थापक जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके साथ इन्होंने एक संधि की 1707 में, ठीक है ना। 1707 में दो काम किए, साहू को रिलीज किया गया और गुरु गोविंद जी के साथ एक संधि की गई, ठीक है ना। अब गुरु गोविंद जी की मृत्यु हो जाती है 1708 में, ठीक है ना। 1708 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद जो बंदा बहादुर, आपने नाम भी सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, बंदा बहादुर, तो बंदा बहादुर को बनाया जाता है अगला केयर टेकर ऑफ सिखिज्म, केयर टेकर बनाया जाता है। तो बंदा बहादुर अटेंडेंट ऑफ गुरु गोविंद सिंह बिकम द रूलर ऑफ खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। क्वेश्चन बन गया इसे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने की। और उसी का जो नेक्स्ट सक्सेसर बनाया, जो रूलर बनाया शासन करने के लिए, उसको कौन बनाया गया, बंदा बहादुर बनाया गया, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो हमारा बूढ़ा बादशाह था बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट, जो 1707 में बना था, वो 1712 में क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, यानी कि लगभग 5 साल के आसपास राजा रहा। तो पहला 1707 में हमने पढ़ा क्या, शाह आलम फर्स्ट या बहादुर शाह फर्स्ट, तीन मेन इंपॉर्टेंट काम है। पहला जजाऊ का युद्ध इसने किया, इसको बूढ़ा बादशाह कहा जाता है, इसको शाहे बेखबर कहा जाता है। इसने शिवाजी के पुत्र, शिवाजी का पोत्र शाहूजी महाराज को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, और गुरु गोविंद सिंह के साथ इन्होंने एक ट्रीटी की। इतनी बात समझ में आ गई क्या, चलिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं जो राजा बनता है, जिसका नाम है जहादर शाह। क्या नाम है, जहादर शाह। जहादर शाह के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारा रहा जहादर शाह, जहादर शाह। तो सेकंड एम्परर बनता है ये। तो जो जहादर शाह है, इससे पहले हम चलते हैं बहादुर शाह फर्स्ट, जो अभी हमने पढ़ा था, इसके चार पुत्र थे। कितने पुत्र थे, चार, ठीक है ना। पहला जहादर शाह था, फिर था रफीउस्तान, आजिमुस्तान और जहान शाह, ठीक है ना। कौन कौन थे दोबारा देखेंगे, जहादर शाह, रफीउस्तान, रफीउस्तान, अजीमुस्तान और जहान शाह। तो ये इसके पुत्र थे। तो इसमें से आपको याद रखना है कौन, जहादर शाह, क्योंकि जहादर शाह को याद रखना है। जहादर शाह बना अब नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट शासक। बोलो बात सही में आई क्या, टाइम पीरियड याद रखना चाहो तो रख लेंगे, वरना कोई जरूरत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक साल ही रहा था, ठीक है ना। इसका भतीजा आएगा फर्रुख शेर, उसको निमटाएगा, ठीक है। चलो देखो, जहादर शाह बिकम द नेक्स्ट रूलर, अगला शासक बना, ठीक है ना। इट्स नोन एज द लंपट मूर्ख, ध्यान रखेंगे इसका जो टाइटल है वो क्या है, लंपट मूर्ख। गाँव की भाषा में, गाँव में बोलते बिल्कुल लंपटी है, क्या मतलब, बिल्कुल खत्म है ना, मैंने अकल बड़ी या भैंस, ठीक है ना। कभी कभी देख के लगता है कि भैंस ही बड़ी होगी, समझ में बात आ रही है क्या। तो ये लंपट वाला वही वर्क है। तो जैसे उसको बूढ़ा बादशाह कहा गया, ऐसे ही जहादर शाह को कहा, क्या कहा गया, लंपट मूर्ख कहा गया। ये इनके टाइटल्स हैं, आपको याद रखना है। अच्छा, अभी तो लंपट मूर्ख था, तो जाहिर सी बात है ये तो राजकाज अपना नहीं चला सकता, बोलो हाँ ना। तो इसके लिए इसका एक वजीर था, जो इसके लिए सब कुछ काम करता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था जुल्फीकार खान। क्या नाम था इसका, जुल्फीकार खान। और आपको पता है मम्मी, अगर आप बड़े बड़े बाल रख लेते तो मम्मी ये जुल्फे कटवा ले, तो जुल्फीकार है ना, तो याद रखो जुल्फीकार मतलब एक मूर्ख एक जुल्फे वाला, दोनों का इसका बड़ा तेज दिमाग था, है ना। तो ये जुल्फीकार खान की हेल्प से बन गया।
तो जुल्फिकार खान ही सब कुछ चलाया करता था। जुल्फिकार खान से एग्जाम में दो क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट बनते हैं। क्या? इसने सबसे पहले एक टाइटल दिया आमेर के किंग को, आमेर का राजा। जयपुर की हम बात कर रहे हैं, आमेर का किला आपने देखा, नाम सुना होगा, नहीं देखा होगा तो आमेर का जो राजा था उसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। तो आमेर के राजा जो जय सिंह थे उनको सवाई की उपाधि दी। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जो आमेर के राजा थे जय सिंह, तो जय सिंह को कौन सी उपाधि दी इनको? सवाई। आप आ जाओगे तो आपको जयपुर में सवाई नाम की बहुत चीज़ मिलेगी, जैसे एयरपोर्ट का नाम सवाई मान, स्टेडियम का नाम सवाई मान सिंह, हॉस्पिटल है, ठीक है ना। तो सवाई एक उपाधि थी जो दी गई थी किसके द्वारा? जुल्फिकार खान के द्वारा, या किसके द्वारा? जहादर शाह के द्वारा, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन जो आपको मिलेगा आप करेंगे। और इसके साथ साथ इनको सूबेदार बना दिया गया, किसका? मालवा, मतलब एमपी। सूबेदार का मतलब जैसे आज उत्तर प्रदेश एक स्टेट है तो इसको सूबा बोला जा सकता है, जो उसका हेड होगा उसको क्या बोलेंगे? सूबेदार। तो हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड दोनों सेम, सूबेदार। तो इनको सूबेदार बनाया गया, सूबेदार कहाँ का बनाया गया? मालवा का, मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसके बाद एक था जो मारवाड़ के किंग थे, मारवाड़ का राजा, मारवाड़ का राजा। तो जो मारवाड़ का राजा था इनका नाम क्या था? अजीत सिंह। क्या नाम था इनका? अजीत सिंह। और अजीत सिंह को इन्होंने उपाधि दी महाराजा की, किसकी? उनको दिया सवाई की उपाधि, इनको दिए किसने? महाराजा की उपाधि। और इनको गुजरात का, कहाँ का? गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। एक बार रिपीट करेंगे, जो जुल्फिकार खान था, जुल्फिकार खान ने क्या किया? दो टाइटल दिए, एक थे जो अमेरिके राजा जयसिंह, जयसिंह को उपाधि दी सवाई की, और जो हमारे मारवाड़ के राजा थे जिनका नाम क्या था? अजीत सिंह, इनको बनाया महाराजा, तो महाराजा अजीत सिंह हो गए। और इनको गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। दूसरी बात में अगर हम देखेंगे, जो हमारे आमेर के राजा थे जिनका नाम जयसिंह था, इनको कहाँ का सूबेदार बनाया गया? मध्य प्रदेश या मालवा का सूबेदार बना दिया गया। बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलिए। अब दिक्कत आपको पता है, दिक्कत यहाँ पे क्या आ गई? दिक्कत यहाँ पे आ गई भैया कि जो हमारे ये जहादर शाह थे, तो जहादर शाह को हो गया प्रेम, और प्रेम बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना। तो प्रेम होने के बाद इनका जो इनकी प्रेमिका थी, इसका नाम था लाल कुंवर। क्या नाम था? लाल कुंवर इनका नाम था। तो ये जो प्रेम संबंध था ये पसंद नहीं आया इनके भतीजे को, इनके भतीजे का नाम था फर्रुख शियर। क्या नाम था? फर्रुख शियर, फर्रुख शियर। तो फर्रुख शियर इसका नेफ्यू था, तो उसने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। तुम कहोगे सर ये सैयद बंधु कौन आ गए? तो भैया जो सैयद ब्रदर्स है ना, इनको सैयद बंधुओं को कहा जाता है किंग मेकर। क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि किंग मेकर किसको कहा जाता है? सैयद ब्रदर्स को। दो भाई थे ये, है ना, एक हुसैन और एक अली। तो ये दोनों क्या थे? ये पूरे पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से घुमाना जानते थे, ठीक है ना। तो ये जिसको चाहते थे उसको राजा बना सकते थे, तो ये किंग मेकर थे। तो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से लेकर जो फर्रुख शियर था, जो किसका? जहादर शाह का भतीजा था, उसने इसकी हत्या करवा दी। ही किल्ड जहादर शाह एंड लाल कुंवर। तो दोनों को इसने मौत के घाट उतार दिया। किसने? फर्रुख शियर ने। किसकी हेल्प से? सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ ना। और इसके बाद जाहिर सी बात है, तो जो आपका फर्रुख शियर था तो उसको बना दिया गया राजा। तो यानी कि सैयद ब्रदर्स ने फर्रुख शियर को क्या बना दिया? अब राजा बना दिया। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? तो यानी कि नेक्स्ट रूलर हमारा कौन बन गया? फर्रुख शियर बन गया। कोई समस्या यहाँ तक? तो हमने अभी तक दो राजा पढ़े हैं, बहादुर शाह फर्स्ट और जहादर शाह। जहादर शाह खत्म हुआ, अब तीसरा हमारा राजा आता है जिसका नाम क्या है? फर्रुख शियर। इसके लिए आप समझिएगा, फर्रुख शियर के लिए तो फर्रुख शियर को एक टाइटल दिया है जिसको कहते हैं घृणित कायर। क्या कहते हैं? घृणित कायर। तो तीसरे टाइटल मिल गया। अब एक बार दोबारा से मेरे साथ रिवाइज कीजिए, दिमाग में यहीं पे सेट करना है। बहादुर शाह फर्स्ट को कहा गया बूढ़ा बादशाह, जहादर शाह को कहा गया लंपट मूर्ख, महाराजा अजीत सिंह को टाइटल दिया गया महाराजा का, जय सिंह जो आमेर के राजा थे उनको दिया गया सवाई, ठीक, और फर्रुख शेर को दिया गया। बेटा आसान है, बस आप उसको रिवाइज कितना कर रहे हो ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो घृणित कायर कहा गया। अब जो बंदा बहादुर था, ये बंदा बहादुर ऐसा माना जाता था, भाई देखो इनकी आपस में दुश्मनी तो चली रही थी, जो सिख किस्म था, जो सिख वाले थे पंजाब वाले, और औरंगजेब, यानी कि जो औरंगजेब के समय का जो आपका मुगल था, तो मुगल का अपना क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था, ठीक है ना, एक तरह से दुश्मनी थी। तो क्या किया 1716 में इसने बंदा बहादुर को अरेस्ट किया। बंदा बहादुर खालसा पंथ का जो सक्सेसर था, जो उसकी देखरेख कर रहा था, उसको उठा के इसने क्या कर दिया? मार दिया। किसने? फर्रुख शियर ने मार दिया, ठीक है।
अब 1717 में क्या होता है, ही रिलीज एक गोल्डन ऑर्डिनेंस, इसने एक स्वर्णिम फरमान जारी किया। तुम कहोगे सर ये गोल्डन ऑर्डिनेंस क्या है, गोल्डन ऑर्डिनेंस ये था, ऐसा बताया जाता है इसको एक फुंसी हो गई, फुंसी बन गया फोड़ा आम भाषा में, तो जो वैद वैद थे वो ठीक नहीं हो रहा था, तो एक अंग्रेज आया, अंग्रेज के साथ एक डॉक्टर भी था, उसने देखा ये क्या हो रहा है, बोले ये हो रहा है, तो वो तो डॉक्टर था, सर्जन था, भारत में अभी तक इतना मेडिसिन का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ था मेडिकल का, तो उसने उसका ऑपरेशन कर दिया, वो ठीक हो गया, तो इतना खुश हुआ, खुश होकर कह दिया अंग्रेजों को कि तुम्हें जो है मैं टैक्स फ्री ट्रेड देता हूँ बंगालो, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आराम से करो, इतना खुश हो गया। इसलिए कहा जाता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ ना तो किसी से कोई वादा मत करो, जब दुखी हो जाओ तो किसी को अपनी बातें मत बताओ, दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, एक गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया किसको, ब्रिटिशर्स को, वो क्या था कि आप बंगाल में कर मुक्त व्यापार करें, बंगाल में क्या करें, कर मुक्त व्यापार कर दिया। अंग्रेजों को मजे आ गए, बोला एक ऑपरेशन का इतना बड़ा माल, इतना बड़ा वो मिल गया हमको, इनाम मिला, बोलो हाँ है ना, चलो खैर। अब 1717 में क्या हुआ, एक्चुअल में अब ये दिक्कत करना शुरू कर दिया, कौन, फरूख शेयर, किसको, सैयद बंधुओं के लिए, क्योंकि सैयद बंधु जो थे इसमें से एक तो बन गया वजीर प्रधानमंत्री और एक बन गया आर्मी चीफ सेनापति, ठीक है ना, एक भाई प्रधानमंत्री एक भाई सेनापति, तो दिक्कत करना शुरू किया, तो इन्होंने सोचा कि इसका मामला सेट करना पड़ेगा, है ना, किसने सोचा, ये सैयद ब्रदर्स ने सोचा इसका मामला सेट करना पड़ेगा, तो सेट किया गया। तो इन्होंने 1717 में इन्होंने देखा कि सबसे सॉफ्ट कॉर्नर कौन सा है, अंग्रेजी और मराठा, मराठा भाई बहुत पावरफुल है, तो मराठाओं से क्यों ना बातचीत की जाए, तो मराठाओं से बात की, तो मराठा का पेशवा था, देखो इन 1717 याद रखें द ट्रीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की संधि आपको याद रखनी पड़ेगी, दिल्ली की संधि हुई 1717 में, हो गई बिटवीन सैयद ब्रदर्स एंड मराठा, सैयद बंधुओं और मराठाओं के बीच में हुई, और यहाँ का रूलर कौन था, शाहू, और यहाँ का पेशवा कौन था, बालाजी, ठीक है ना, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, जैसे मुगल काल में वजीर को प्रधानमंत्री बोला जा रहा है, वजीर प्रधानमंत्री, तो ऐसे वहां पर पेशवा क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो और यहां पर जो बालाजी विश्वनाथ थे, क्या नाम था इनका, बालाजी विश्व, तो बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच में एक संधि हुई, ठीक है, इनको तुम इसको निपटा दो और हमारा काम साफ हो जाएगा। तो बस ऐसा बताया जाता है कि जो आपका बालाजी विश्वनाथ थे, ये जो है मराठा से चले, महाराष्ट्र से चले, और आके दिल्ली में जो किला था तो किले को खोल दिया गया, क्योंकि सेनापति तो कौन था, सैयद ब्रदर्स था, तो इन दोनों ने ही मराठाओं की हेल्प से किसको, फरूख शेर को निमटा दिया, ख़त्म कर दिया मामला, फरूख शेर ख़त्म हो गई, ठीक है ना, क्योंकि 3-5 करना शुरू कर दिया था उसने, ये उनकी बातें कम मानता था। अब उन्होंने सोचा सैयद ब्रदर्स ने, भाई अब किसको बनाया जाए, तो जो इसी का भाई था रफीउस्सान, कौन, रफीउद्दौला, तो इसको बना दिया, रफीउद्दौला को बना दिया, लेकिन ये बेचारा ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया, ये कोई बीमार था, निमट लिया। इसके बाद किसको बनाया, जहान शाह को, ठीक है ना, तो ये जहान शाह था, ये भी इसको हो गया था अतिसार रोग, क्या बोलते हैं अतिसार को इंग्लिश में, अतिसार, डायबिटीज बोलते शायद, पता नहीं कुछ ऐसे बोलते हैं, तो ये भी मर गया, मतलब कहने का मतलब ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया, अतिसार रोग से इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, तो मतलब ये मामला यहाँ से इतना चल नहीं पाया। तो फाइनली एक नाम आता है रोशन अख्तर, क्या नाम आता है, ये रोशन अख्तर वो व्यक्ति है जो हमने बहादुर शाह फर्स्ट का जो पुत्र था, जहान शाह, दिख रहा है चौथे वाला, ये इसका बच्चा था, कौन, इसका बच्चा था जिसका नाम क्या था, रोशन अख्तर, मैंने यहाँ लिख भी दिया है रोशन अख्तर, हमने यहाँ पे सन नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो ये सन किसका था, जहान शाह का, ठीक है। अब ये बन जाता है क्या, राजा, विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधुओं की हेल्प से बन जाता है राजा, बन गया राजा, ठीक है जी। अब क्या हुआ, इसने अपना नाम पहले बदला, इसने अपना नाम रखा मोहम्मद शाह रंगीला, सुना है आपने नाम, अब तैयार आ गया होगा, मोहम्मद शाह, तो इसका एक्चुअल में नाम क्या था, रोशन अख्तर, अब समझ में आ गया कौन था रोशन अख्तर, रंगीला, इसके नाम में रंगीला है और ये नाम के हिसाब से रंगीला था, ठीक है ना, मस्त आदमी था, दारू वारू अपना सब ऐसे ही, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा राज्य, तो फिर तो नाश होना ही होना ना, हाँ है ना,
तो इसलिए ये चल रहा था। चलो खैर, बिकम द रूलर विद द हेल्प ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, और ये काफी लंबे समय तक राजा रहा, क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई नहीं रह पा रहा था वहां, फटाफट निमट गया। देखो, बहादुर शाह फर्स्ट आया, पांच साल में निमट गया, उसके बाद जादर शाह आया, एक साल में निमटवा दिया उसकी प्रेमिका ने, फिर उसके बाद फरूख शियर, ज्यादा टाइम नहीं चल पाया, उसके बाद दो फिर बने, वे फटाफट मर गए, तो इसको काफी लंबा टाइम मिल गया, ठीक है ना। यानी कि अब जो है इस साम्राज्य को एक लंबे शासक की जरूरत थी जो संभाल सके, काम कर सके, तो मिला। इसने सबसे पहले काम किया कि साला जो है ये सैयद ब्रदर्स हैं, जो ये सैयद बंधु, पहले इनको निमटवाओ वरना तो ये निमटवा देंगे। इसने पहले वो काम कर दिया कि निमटवाओ भाई, निमटवाओ। तो इसने वही काम किया विद द हेल्प ऑफ आर्मी चीफ, इसने एक आर्मी चीफ बनाया अपना जो बहुत बेहतरीन आदमी था, जिसका नाम था क्या था, निजाम उल मुल्क। तो निजाम उल मुल्क जो है काफी साहसी व्यक्ति था, इसकी सहायता से इसने मरवा दिया सैयद बंधु। सैयद बंधु का किस्सा खत्म। तो सैयद बंधु को किसने मरवाया? मोहम्मद शाह रंगीला ने विद द हेल्प ऑफ, याद कर लीजिए, इस्लाम निजाम उल मुल्क, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कांड करेगा, चल के आगे चल के हैदराबाद की स्थापना कर देगा, ये बोले यहाँ का राजा मैं हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मोहम्मद शाह रंगीला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत काम होने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, तो और इसने निजाम उल मुल्क को अपना क्या बना दिया, वजीर, अपना वजीर बनाया निजाम उल मुल्क को, ये बन गया इसका प्रधानमंत्री, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या हुआ जी, एंड अब जो ये आपका इसका वजीर था कौन, निजाम उल मुल्क था, इसको इसने भेजा, इसलिए इसने इसको भेज दिया कहाँ पर, हैदराबाद, कि भाई जाओ हैदराबाद में आप जाओ। तो लिखा है, गोज टू साउथ इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड हैदराबाद सिटी एंड बिकेम द फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद का पहला निजाम, हैदराबाद का पहला निजाम, तो पहला निजाम हैदराबाद का कौन था, पहला निजाम बताओ, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क हैदराबाद का पहला निजाम, ठीक है, बन गया। इसी के शासनकाल में अब हमारे पास इंडिपेंडेंट स्टेट बन रहे हैं, बंगाल बिकेम द इंडिपेंडेंट स्टेट, बंगाल ने अपने आप को घोषित कर दिया कि भाई हमारा स्वतंत्र राज्य है। इसका निजाम कौन बना, मुर्शीद कुली खान, ये आपको याद होना चाहिए, मुर्शीद कुली खान। मैंने दो चीज बताई आपको, हैदराबाद का, हैदराबाद कौन बना, निजाम उल मुल्क, स्थापना उसने की, और बंगाल जो इंडिपेंडेंट बना तो कौन बना, मुर्शीद कुली खान। किसके समय में काम चल रहा है ये, मोहम्मद शाह रंगीला, मगल, इसको आप ऐसे समझिएगा, दिल्ली में बैठा है हमारा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, तो दिल्ली में बैठा है कौन, रंगीला, और ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हैं कि हैदराबाद का निजाम में हो गया और बंगाल का निजाम में हो गया, बोलो बात समझ में आई क्या। और इसी के समय पे एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे यहाँ पर, देखिएगा, जो अवध है, जिसको आप लखनऊ बोलते हो, जो लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है अवध, है ना, जिसको फैजाबाद बोला जाता था, तो यहाँ पर एक व्यक्ति और था सादत खान, उसने आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, यानी कि तीन लोग इंडिपेंडेंट। एक बार मेफात आप रिपीट करेंगे, हैदराबाद निजाम उल मुल्क, बंगाल मुर्शीद कुली खान, और अवध शहादत खान। ये हम पढ़ेंगे, ये रहा अवध, अवध का निजाम कौन बन गया, शहादत खान। बताओ तीनों याद हो गए क्या, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा इसे, अवध का संस्थापक कौन था, या पहला निजाम कौन था बंगाल का, या पहला निजाम कौन था हैदराबाद का, आपको याद हो गया क्या, नोट बनाते हुए चलना, ठीक है। चलिए, और यहां से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ही वॉज द लास्ट रूलर हु एंडेड द जजिया टैक्स। ये अंतिम शासक था, इसके बाद कुछ कभी जजिया टैक्स नहीं लगा, ये अंतिम शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया। कौन सा कर, जजिया टैक्स। तुम कहोगे सर जजिया कर क्या होता है, तो भाई जजिया कर वो टैक्स होता था जो आपको नॉन मुस्लिम होने पर दिया जाता था। अगर आप मुसलमान नहीं हो, इफ यू आर नॉट मुस्लिम, देन यू विल पे फॉर दिस एज टैक्स। तो आप इसके लिए टैक्स का प्रयोग करके अपनी जान बचाओगे, हम मुस्लिम नहीं है तो हम टैक्स देंगे, ठीक है ना। तो खैर, अभी आप इसको हम पढ़ेंगे, जब मोहम्मद बिन कासिम आएगा तो वहीं से स्टार्ट होती है इसकी, ठीक है ना। फिलहाल तो आप याद रखेंगे, भारत का वह अंतिम शासक, अकबर ने भी हालांकि ऐसा किया था लेकिन उसके बाद फिर चालू कर दिया औरंगजेब ने, तो लास्ट रूलर भारत का वो था जिसके बाद जजिया टैक्स नहीं लगा, उसका नाम क्या था, नाम बताओ, मोहम्मद शाह, ऐसे नहीं देखो बोलते रहना है, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है ये लास्ट रूलर था जिसने जजिया टैक्स को क्या किया, समाप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1739 में, 1739, जो नेपोलियन ऑफ ईरान है, ईरान का नेपोलियन, क्या नाम था, नेपोलियन ऑफ ईरान, जिसका नाम था नादिर शाह, क्या नाम था, दो क्वेश्चन बन गए,
बताइए ईरान का नेपोलियन जैसे भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त, द नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। ऐसे नेपाल का, सॉरी नेपाल कह रहा हूँ, ईरान का नेपोलियन कौन था? नादिर शाह। तो नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण। दो क्वेश्चन बनेंगे, कब हुआ? 1739 में हुआ, और किसके समय में किया? मोहम्मद शाह, यानी दिल्ली में बैठा मोहम्मद शाह रंगीला। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और यहीं पर एक युद्ध होता है, द बैटल ऑफ करनाल, मतलब दिल्ली से दूर हरियाणा में बैटल ऑफ करनाल होता है, और करनाल में नादिर शाह बुरी तरीके से लूट फूट लेता है, ठीक है ना, बहुत सारा सामान लूट लेता है, करोड़ों रुपये लूट लेता है, और यहाँ से वापस चलना शुरू कर देता है। लेकिन आपको पता है भारत तो किसका देश है? जयचंदो का देश है। बोलो यहाँ, यहाँ तो दोस्त मरवाता है ना, जो तुम्हारा दोस्त रहेगा जब तुम्हारी उससे लड़ाई हो जाएगी तो वही तुम्हारा क्या करेगा? ऐसी की तैसी करने की कोशिश करेगा। बोलो हाँ ना, अगर आप कमजोर हो तो। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि उसके बारे में आपको सब पता है, इतिहास आपको यही सिखाता है, फिर भी आप लोग नहीं सीखते, हम नहीं सीखते, ठीक है ना। तो जो एक आदमी था, तुम कहोगे सर कौन आदमी था? आदमी ये था, आदमी था ये वाला, ये देखो, अवध का नवाब सादत खान। कौन था अवध का नवाब? इसने अपना पैगाम भिजवाया नादिर शाह के पास, मेरे हुजूर कहाँ पे जा रहे हो? ये तो मुंह दिखाई है, दुल्हन तो दिल्ली में बैठी है, मतलब करनाल में कुछ नहीं मिला आपको, आप इसको लेके खुश हो रहे हो? यहाँ आओ दिल्ली में और देखो यहाँ क्या है। और नादिर शाह पहुँच जाता है कहाँ? दिल्ली। क्योंकि ये खुद अपने आप को दिल्ली, ये खुद अपने आप को दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में चाहता था कि मुझे यहाँ पर रखा जाए, मुझे पद दिया जाए, तो इसको इस बात की टीस थी। बात समझ में आई क्या? और नादिर शाह जब दिल्ली आता है, छोटे बच्चे महिलाएं बूढ़े सब काट मार मचा देता है भयंकर तरीके से, भयंकर तरीके से लूटता है। और यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है आपका मयूर सिंहासन जो शाहजहां बनवाता है सिंहासन, और इसी में लगा रहता है कोहिनूर डायमंड। क्या लगा रहता है? कोहिनूर डायमंड। ये भी एक कहानी बताएंगे हम आपको कहाँ से है कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर का। तो शाहजहां ने एक बैठने का बनवाया था पिकॉक थ्रोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पिकॉक थ्रोन, जिसमें एक डायमंड लगा रहता है, वो बहुत कॉस्टली बहुत बेहतरीन माना जाता है, शान है मतलब वो मुगल शासन की। नादिर शाह उसको भी लूट के ले जाता है, उसको लूट के नादिर शाह ले जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम राजा था उसका नाम क्या था? तो आप क्या कहो उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? बस चीज़ें तो चीज़ें क्लियर हो रही है ना। चलिए तो फिर क्या हुआ बिटवीन मुगल सेना एंड नादिर शाह विंस? नादिर शाह जीत गया था, करनाल की युद्ध की बात कर रहे हैं। फिर इसने अटैक ऑन दिल्ली किया, पिकॉक थ्रोन, इसमें कोहिनूर डायमंड था, स्टील बाय नादिर शाह, इसको नादिर शाह चुरा के ले गया। एंड लास्ट मुगल एम्परर हु सिट ऑन द पिकॉक थ्रोन, और वो अंतिम मुगल शासक जो पिकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठा उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला। और फाइनली इन 1748 रंगीला डाइड, और ये रंगीला आपका मर जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने अपना चौथा राजा खत्म किया। पहला दोबारा रिपीट करेंगे, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुख शियर, उन दो हमारे पास कोई मतलब नहीं, रफीकुद्दौला कोई मतलब नहीं है, उसके बाद सीधा मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है अहमद शाह, और अहमद शाह भाई का कोई खास काम नहीं था इसके टाइम पर, बस एक ही काम हुआ था जो अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत पर, आक्रमण हुआ था भारत पर, द अटैक ऑफ अहमद शाह अब्दाली, बस इसके टाइम पे इतना ही काम है, क्योंकि ये रहा ही अपने पास 4 या 5 साल, ठीक है ना। तो इतना ही काम यहाँ से आप याद रख सकते हो, इसके अलावा आपको कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से आएगा आलमगीर सेकंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहाँ से 3-4 आपके। तो आलमगीर सेकंड की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो आलमगीर सेकंड जो है इसके टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी एक जो है बंगाल में जगह पड़ती है, प्लासी, ठीक है ना। तो प्लासी जो है बंगाल में जगह पड़ती है, तो आपका यह है युद्ध होता है, और इसका जो टाइम पीरियड है ये था, इसको आप याद रखेंगे, 23 जून 1757। किस किस के बीच में होता है आप मुझे बताएंगे? एक तो आपका कौन होता है बताओ? अंग्रेज होता है, अंग्रेजों का सेनापति, इसका नाम क्या था? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो था ना, या कोई और था बताओ मुझे एक बार? वेरी गुड, ये जानना चाह रहे थे। हेक्टर मुनरो आएगा बाद में 1774 में, 1774 में, जब कौन सा युद्ध होगा? नहीं, बैटल ऑफ प्लासी चल ही रहा है, वेरी गुड, बैटल ऑफ बक्सर, वेरी गुड, ऐसे बताया करो फटाफट। देखो तो यहाँ पर कौन था बताओ? रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव वही है जो आगे चल के कुछ बनने का भी, ठीक है ना, गवर्नर
गवर्नर वर्नर बन जाएगा बंगाल का, चल गए बताएंगे जब बनेगा। और यहाँ पे कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन है बताओ मुझे एक बार? ये बंगाल का नवाब है। कौन है? अभी जब हम बंगाल आपको अलग से पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो इन दोनों के बीच में होता है भैया, वही बात है, खरीद लेता है इसके सेनापति को, फाइनली इसको हरा देता है और ये जीत जाता है। तो प्लासी का युद्ध अल्टीमेटली धोखा करके अंग्रेज जीत गए। और अंग्रेज को जीतने के बाद, क्योंकि भारत के लोग जो इसका सेनापति था ना, उसका नाम था क्या? मीर जाफर, मीर गद्दार, मीर जाफर गद्दार भाऊ। तो उसने अपने चक्कर में इसको हरवा दिया, मरवा दिया, काम खत्म हुआ। और फाइनली अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ रिवेन्यू में ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर होना स्टार्ट हो गया, ज़्यादा हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। और ये पहली विजय मानी जाती है अंग्रेजों की, ठीक है। चलिए, तो हम ये बता रहे थे जो आपका आलमगीर सेकंड था, आलमगीर सेकंड के टाइम में एक काम होता है, बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। चलिए इसके बाद, अच्छा यहाँ लिखा, अरे ये तो यहाँ लिखा हुआ भी था, तुमने यहीं पर देख के बताया होगा, ये लिखा हुआ है बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इसमें क्या होता है? जीत जाता है, ठीक है। तो आलमगीर सेकंड के बाद आपके पास एक व्यक्ति आता है जो भारत का अब अगला शासक बनता है, जिसका नाम क्या है? अकबर, सॉरी शाह आलम सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा शाह आलम सेकंड, है ना। शाह आलम फर्स्ट हो गया बूढ़ा बादशाह, शाह आलम सेकंड आ गया। तो इसका टाइम पीरियड काफ़ी बड़ा है, ये लगभग 1760 से लगा के और ये 1806 तक जाता है। तीन बात समझेंगे, इसके टाइम में पहली बात हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि 1761 में हुआ था, 1761 में। और उसका टाइम पीरियड आप देखोगे तो इसी के बीच में पड़ेगा। तो लिखा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। और हम इसको साथ साथ याद भी कर लेते हैं ये किस किस के बीच में हुआ था। ये मराठाओं के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, और इसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हो गया था? जीत गया। ये वही अहमद शाह अब्दाली है जो अहमद शाह के टाइम पे आया था, बोलो है ना, आलमगीर से पैकेट से पहले आया था, ठीक है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बैटल ऑफ बक्सर। भाई साहब ये याद कर लीजिएगा, बक्सर का युद्ध ये आपका होता है 1764 में। और यहाँ मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, देखिएगा ये किस किस के बीच में होता है। जो भारत का मुगल सम्राट है, मुगल सम्राट यानी जो दिल्ली में बैठा है, उसका नाम क्या था? शाह आलम सेकंड। जो एक व्यक्ति जो बंगाल का ही था, बंगाल का नवाब, जिसका नाम था मीर बख्शी, मीर बख्शी नहीं, इसको हम लिखेंगे मीर कासिम। मीर बख्शी तो एक, मीर बख्शी तो एक एक जो है आपका पद हो जाता है। कौन था? मीर कासिम। और जो अवध का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, ये तीनों मिलके लड़ते हैं, ये तीनों मिलके लड़ते हैं। और हेक्टर मुनरो से, हेक्टर मुनरो जो है ये लीड कर रहे थे ब्रिटेन की सेना को, ब्रिटिश की सेना को। और यहाँ पर ये तीनों मिलके हार जाते हैं और हेक्टर मुनरो जीत जाता है। अब अंग्रेजों को लगा कि भारत में रोकने वाला तुम्हें कोई नहीं है, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि भारत का जो मुगल बादशाह है उसकी सेना, अवध का बादशाह उसकी सेना, और बंगाल का बादशाह उसकी सेना, तीनों मिलके भी इसको नहीं हरा पाए तो फिर कौन टिकेगा बताओ आप? उनको दिमाग में मेंटली, और भाई आपको मानना पड़ेगा जो ये विदेशी लोग थे ना, ये मेंटली स्ट्रांग थे, और ये इनको पता था भारत की कमजोरी क्या, भारत में कभी एकता नहीं हो सकती, भारत में कभी एकता नहीं हो सकती, इसको पता है। और आज भी यही चीज़ें हैं, सब अपने अपना स्वार्थ देखते हैं, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर आप कुछ खराब बोलोगे तो दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा और आप उसके क्या बन जाओगे, के दुश्मन बन जाओगे, इसलिए वो व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, 1803। अब यहाँ पर जब क्या हुआ, ये तीनों सेना हार जाती हैं, तो अब शाह आलम सेकंड को कहा, महाराज ऐसा है अब राज हम करेंगे, आप आराम से बैठो अपने, तुम्हें पूरी राजाओं की शासक की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, हम आपको देंगे पेंशन, आप पेंशन लो, अपने घर बैठो, जो ये रिवेन्यू का काम है ये हम करेंगे, चाहे बंगाल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे बिहार का हो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, अलाहाबाद की संधि, जो शाह आलम सेकंड के साथ भी होगी और अवध के नवाब के साथ भी होगी, ठीक है ना, ये हम अलग से पढ़ेंगे बस आप समझ लो। तो इसको बैठा दिया गया, एंड ही बिकेम द फर्स्ट मुगल एम्परर हु गोट द पेंशन, जिसको पेंशन मिलनी शुरू हुई, वो कौन था? शाह आलम। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, लिखा हुआ है इन 1803 मुगल बिकम द पेंशनर ऑफ ब्रिटिश, ये अंग्रेजों के पेंशनर बने की पेंशनर, और 1806 में ही मर गया, खत्म। इसके बाद आपको दो राजा पढ़ने, इसका नाम आएगा अकबर सेकंड। अकबर सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अकबर सेकंड वो पहला व्यक्ति था जिसको अंग्रेजों ने अपना पेंशनर नियुक्त किया, क्योंकि वो तो बना था, उसने तो युद्ध किया था ना,
लेकिन उसके मरने के बाद अकबर सेकेंड वॉज द फर्स्ट पर्सन हु अपॉइंटेड बाई ब्रिटिशर्स एज ए पेंशनर। शब्दों पर ध्यान दीजिए, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया पहला पेंशनर कौन सा मुगल बादशाह था? अकबर सेकेंड। अकबर इसको मैं लिख देता हूं यहां पर हिंदी में, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त प्रथम शासक या बादशाह उसका नाम क्या था? अकबर सेकेंड। दूसरी बात, जो अकबर सेकेंड था, क्योंकि हमारे पास एक राजा राम मोहन राय थे, बहुत बड़ी बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थी, तो ये अंग्रेजों के पास जाते रहते थे अपनी समस्याओं को लेके, क्योंकि भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक के नाम में सोशल रिफॉर्म किया, तो इनको कहा था कि यार तुम जाओ तो मेरी पेंशन वेंशन के बारे में बात करो, तो आप ब्रिटेन जाते रहते हो तो आप बात करो। तो इसी व्यक्ति ने, तो हमारे जो मोहन राय थे, तो इन्हीं को राजा की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि राजा की उपाधि मोहन राय को किसने दी थी? तो अकबर सेकंड ने दी थी, याद कर लीजिएगा। अकबर सेकंड ने ही एक टाइटल दिया था मोहन राय को, राजा राम मोहन राय। उनका नाम क्या हो गया फिर? राजा राम रोहन मोहन राय। और ये बहुत अच्छी भी तस्वीर आपकी लगी है उनके सामने, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और भारत में इनको द फादर ऑफ रिफॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, सोशियो रिलीजन रिफॉर्म्स, ठीक है ना। चलो, और इसके बाद में सबसे अंतिम जो राजा आते हैं, शासक बनते हैं, उनका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह, ये जफर नाम से कविता लिखा करते थे आदमी, मतलब समझ रहे हो ना, पोएट आदमी था, लिखा करता शायरी जफर के नाम से। तो इनका नाम क्या पड़ गया? बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्परर या रूलर ऑफ इंडिया, अंतिम थे। वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट, ये 1857 की क्रांति के नेता भी रहे। जब अंग्रेज, जब भारत में 1857 की क्रांति बेसिकली मेरठ से हुई, जहाँ पढ़ रहे हो यही क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ से 10 मई को चले, 11 मई को लाल किले पे पहुँचे, अंग्रेजों का झंडा उतार दिया, अपना झंडा लगाया और देखा भाई एक लीडर भी चाहिए ना काम करने के लिए। जैसे अभी ये भी आपका किसान आंदोलन चला तो एक लीडर चाहिए, तो सब अपने मुखिया थे, मिलकर गवर्नमेंट से बात करते थे, तो इस व्यक्ति को बना दिया गया अपना क्या लीडर, ठीक है ना। हालांकि बात अलग हुई, फिर अंग्रेजों ने दोबारा से वो ज़्यादा हमारा नहीं चल पाया आंदोलन 1857 वाला, तो उसमें क्या हुआ फिर इनको पकड़ लिया गया, इनको पकड़ के रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को, और इनके पुत्रों की हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, है ना, हडसन के द्वारा और नील के द्वारा। चलिए, तो ही वाज अरेस्टेड बाय ब्रिटिशर्स एंड सेंट टू रंगून। रंगून एक जगह पड़ती है जो बर्मा, जो आज, जो आप आज का म्यांमार देखते हो ना, म्यांमार देश, इसको क्या कहते हैं? बर्मा। और फाइनली 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1862 में मर जाते हैं। तो एक बार फटाफट एक बार हम जो है अपना क्विक रिविजन कर सकते हैं 1707 के बाद की बात। तो पहले हमारा कौन बना बताएंगे आप मुझे? बहादुर शाह, बहादुर शाह फर्स्ट बोलो, हाँ ना। इसके बाद कौन बना बोलते चलो, जहादर शाह के बाद कौन बना? फरूख शियर, फरूख शियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला के बाद अहमद शाह, चलो लिख सकते हैं अहमद शाह को भी, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अहमद शाह। फिर इसके बाद आलमगीर सेकंड, है ना, आलमगीर सेकंड। ऐसे याद रखो तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आलमगीर के बाद कौन आया? शाह आलम, शाह आलम कौन सा? सेकंड। और शाह आलम के बाद कौन आ गया? अकबर। और अकबर के बाद बहादुर शाह जफर। तो ये आपका पूरा मामला हो जाता है 1707 से लगा के 1857 तक। अब क्रांति हो चुकी है, ठीक है, क्रांति के बाद सब चीज़ें बदल जाएंगी और इस चीज़ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके नोट्स हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं आई? सब चीज़ें क्लियर हैं? ऐसे वर्ड्स मैंने यूज भी नहीं किए, तो नोट्स आपके तैयार यहाँ से अच्छे से हो जाने चाहिए। आगे बात समझ में? तो आज के लिए रखेंगे इतना ही, अब देखते हैं नेक्स्ट में।